हेलो स्टूडेंट्स, हेलो क्लास ट्वेल्थ। तो प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं आज आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था अपना टॉपिक सेक्स डिटरमिनेशन, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम किसी भी पर्सन के सेक्स को, कि वो मेल है या फीमेल है, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजोम। हमने इसके बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी मेल हिट्रोगेमिटी एंड दी फीमेल हिट्रोगेमिटी के बारे में। उसके अंडर जो जो सेक्स डिटरमिनेशन के टाइप्स थे, हमने उनके बारे में बात की थी और उनके एग्जांपल्स के बारे में बात की थी। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अदर टॉपिक्स के बारे में सेक्स डिटरमिनेशन के ऊपर, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को लेके कि उस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है, कैसे उनकी बॉडी में जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं बेटा ड्रोसोफिला की। किसकी बात करते हैं हम? ड्रोसोफिला की। कि ड्रोसोफिला, जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको हम? फ्रूट फ्लाई, जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं ड्रोसोफिला, उसमें मेनली जो सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन होता है, उसमें सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें जो मेनली जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो कैसे होता है बेटा? बाय काउंटिंग द रेशियो बिटवीन ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ड्रोसोफिला में मेनली जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो किस बेसिस पे होता है? रेशियो लेते हैं बिटवीन ऑटोसोम्स एंड दी सेक्स क्रोमोसोम्स, और उनकी काउंटिंग के बेसिस पे क्या होता है ड्रोसोफिला में? सेक्स डिटरमाइन होता है कि वो फीमेल है या फिर मेल है। ठीक है, अब वो रेशियो किस बेसिस पे और उनके नंबर कितना होना चाहिए, तो वो मेल होगा, कितना होना चाहिए वो फीमेल होगा, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो बेटा, हम लोग रेशियो लेते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, अपॉन ऑटोसोम्स। ठीक है, हम ये रेशियो लेते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम को हम मेनली किससे डिनोट करते हैं? सेक्स क्रोमोसोम को मेनली डिनोट करते हैं एक्स से, एंड ऑटोसोम्स को डिनोट करते हैं ए से। तो हम क्या बोलेंगे कि ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो एक्स बाय ए रेशियो से होता है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम बाय ऑटोसोम्स रेशियो से होता है, उनके काउंटिंग के बेसिस पे होता है। तो यदि एक्स बाय ए का अगर रेशियो, अगर सपोज करो कितना है, 0.5 है, कितना है 0.5, तो ये मेनली किस, कौन से ऑफस्प्रिंग्स, जो इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे मेनली वो कैसे होंगे, मतलब जो इनका सेक्स क्रोमोसोम बाय ऑटोसोम जो रेशियो है, तो उनसे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, उसका सेक्स डिटरमाइन करने का यही एक वो है। क्योंकि हम लोगों ने मेल हिट्रोगेमिटी फीमेल हिट्रोगेमिटी में ऑफस्प्रिंग निकाल के पता किया था कि कितने परसेंट मेल होंगे, कितने परसेंट फीमेल होंगी। ठीक है, तो एक्स बाय ए रेशियो से, सेक्स क्रोमोसोम बाय ऑटोसोम से हम ड्रोसोफिला में भी पता कर सकते हैं। यदि एक्स बाय ए रेशियो 0.5 है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका सेक्स क्या होगा बेटा? मेल। क्या होगा उसका सेक्स? मेल, वो मेल होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अदर ले कि एक्स बाय ए रेशियो अगर 1 है, कितना है एक्स बाय ए रेशियो है वो 1 है, तो क्या होगा? तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो कौन से होंगे बेटा? फीमेल। कौन से होंगे? फीमेल। ठीक है, तो अगर 0.5 हुई अगर इनकी काउंटिंग, तो मेल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, और अगर 1 हुई तो फीमेल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें एक्स बाय ए रेशियो है वो सपोज लेस देन 0.5 है, लेस देन 0.5 या लेस देन 0.5 है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे बेटा? मेटामेल्स। कैसे होंगे? मेटामेल्स, जिसको आप सुपर मेल्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो? जिसको आप सुपर मेल्स भी बोलते हो। ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनका सेक्स डिटरमाइन हो रहा है बाय द रेशियो ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड द ऑटोसोम। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्स बाय ए रेशियो यदि 0.5 एंड 1 के बीच में है,
0.5 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे बेटा, गाइन एंड्रोमॉर्फ्स। कैसे होंगे? गाइन एंड्रोमॉर्फ्स। अब गाय एंड्रोमॉर्फ्स क्या होते हैं? ठीक है, गाइन एंड्रोमॉर्फ्स क्या होते हैं बेसिकली अगर हम बात करें, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में हाफ पार्ट तो कैसा हो, मेल पार्ट हो, और हाफ कैसा हो, फीमेल पार्ट हो, वो क्या कहलाते हैं? गाय एंड्रोमॉर्फ्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं गाय एंड्रोमॉर्फ्स क्या होते हैं, मेनली ऑर्गेनिजम्स विच हैव पार्ट ऑफ बॉडी बोथ मेल एंड फीमेल। जिस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो हाफ तो किसकी बनी हुई हो, मेल पार्ट की, और हाफ किसकी बनी हुई हो, फीमेल पार्ट की, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? गाइन एंड्रोमॉर्फ्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और गाय एंड्रोमॉर्फ्स जो कंडीशन है मेनली वो कब अराइज होगी? जब एक्स बाय ए रेशियो कितना होगा, 0.5 और 1 के बीच में लाई करेगा, तब गाय एंड्रोमॉर्फ कंडीशन है वो अराइज होगी, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स अराइज होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो गाय एंड्रोमॉर्फ कंडीशन है उसमें जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें हाफ बॉडी है वो मेल की है, हाफ बॉडी है वो फीमेल की है, तो वो किस बेसिस पे है और वो उसका पैटर्न कैसा हो सकता है? तो उसके बेसिकली 3 पैटर्न हो सकते हैं। फर्स्ट है एंटीरियर पोस्टीरियर। फर्स्ट क्या है बेटा? एंटीरियर पोस्टीरियर। इसका मतलब क्या हुआ एंटीरियर पोस्टीरियर? सपोज करो कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसका ये पार्ट एंटीरियर कहलाएगा, ये पार्ट इसका पोस्टीरियर कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनली, तो एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब क्या है कि एंटीरियर पार्ट है वो या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकती है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो भी मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकती है। गाइन एंड्रोमॉर्फ कंडीशन है, तो यदि एंटीरियर पार्ट मेल हुआ तो पोस्टीरियर फीमेल होगा, और यदि एंटीरियर पार्ट फीमेल हुआ तो पोस्टीरियर मेल होगा। ठीक है, समझ में आ गया एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब। सेकंड क्या हो सकता है? बाइलेटरल। क्या हो सकता है बेटा सेकंड? बाइलेटरल। बाइलेटरल की अगर मैं बात करूं तो देखो ये ऑर्गेनिज्म है और इसको यहां से अगर डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये तो क्या बन जाए मान लो मेल पार्ट, और ये क्या बन जाए? फीमेल पार्ट, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, कि ये पार्ट तो कैसा हो फीमेल का और ये पार्ट कैसा हो मेल का, तो बाइलेटरल कंडीशन ये होगी कि ऑर्गेनिज्म है वो इस साइड तो कैसा पार्ट डेवलप करे, मेल पार्ट डेवलप करे, और दूसरी साइड कैसा पार्ट डेवलप करे, फीमेल पार्ट डेवलप करे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ तो फीमेल पार्ट डेवलप करेगी और दूसरी साइड मेल पार्ट डेवलप करेगी। ये कंडीशंस मैं किसकी बता रही हूँ बेटा? गाइन एंड्रोमॉर्फ्स की। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट्स के बारे में बात कर लिया। थर्ड जो पॉइंट है वो है सेक्स पियाबाल्ट्स। ठीक है, अगर हम बात करें सेक्स पियाबाल्ट्स कंडीशन की, तो इसमें मेनली किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? इसमें क्या होता है मेनली जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो मेनली किसकी बनी हुई होती है? फीमेल टिश्यूज की। किसकी बनी हुई होती है? फीमेल टिश्यूज की। लेकिन उसकी बॉडी पे कहीं कहीं पैचेज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कहीं कहीं पैचेज होते हैं, और ये पैचेज किसके होते हैं? मेल टिश्यू के। किसके होते हैं? मेल टिश्यूज के। ठीक है, तो बॉडी तो किसकी है? मेनली फीमेल टिश्यू की, और उसकी बॉडी पे स्मॉल स्मॉल पैचेस फॉर्म होते हैं, स्मॉल स्मॉल पैचेस बने हुए होते हैं, वो किसके होते हैं? मेल टिश्यू के। तो हो गया ना, एक ही बॉडी में मेल टिश्यू भी प्रेजेंट है, फीमेल टिश्यू भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो गाइन एंड्रोमॉर्फ्स की मेनली 3 टाइप की कंडीशंस हो सकती है, वो एंटीरियर पोस्टीरियर भी मिल सकते हैं, वो बायलेटरली भी फॉर्म हो सकते हैं, मिल सकते हैं, या वो सेक्स पियाबाल्ट्स भी मिल सकते हैं। तो इतनी बात आई आप लोगों को समझ में बेटा, सेक्स डिटरमिनेशन पता लगा कि ड्रोसोफिला में कैसे एक्स बाय ए रेशियो से सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, इतनी कंडीशन समझ में आ गई। हाँ, अगर हमने जैसे ये देखा था एक्स बाय ए रेशियो 0.5 है तो मेल,
वन है तो फीमेल, लेस देन 0.5 है तो मेटामेल्स या फिर सुपर मेल्स, और 0.5 एंड 1 के बीच में है तो गाइनेंड्रोमोर्फ्स। और अगर ये ही कंडीशन एक्स बाय ए रेशियो सपोज लेस देन 1 हुई, क्या हुई बेटा, सॉरी मोर देन 1 हुई, क्या हुई, मोर देन 1 हुई, अगर एक से ज्यादा हुई। अब हमने 0.5 के बारे में भी बात कर ली, 1 के बारे में भी बात कर ली, इन दोनों के बीच में जो आते हैं 0.6 0.7 उनके बारे में भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं यदि मोर देन 1 अगर कंडीशन हुई, एक्स बाय ए रेशियो मोर देन 1 हुआ, तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे बेटा, सुपर फीमेल्स। कौन से ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो सुपर फीमेल्स, जिसको आप मेटा फीमेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन भी याद रखनी है आपको। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि ड्रोसोफिला में किस बेसिस पे मेनली सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है मेनली, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम बाय द ऑटोसोम रेशियो से हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं इन द केस ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है बेटा। तो ये हमने बात की है क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो मेनली टू टाइप्स का होता है, क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, और सेकंड मैंने बताया था एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, एनवायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है बेटा। तो अब तक हम लोगों ने जो बात की है वो क्रोमोसोमल बेसिस पे की है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, अब हम एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में, एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में, तो एनवायरमेंट में जो पाए जाने वाले फैक्टर्स है, टेम्परेचर हुआ, लाइट हुई, ठीक है, या फिर अदर जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट करेंगे अब सेक्स डिटरमिनेशन को, इसीलिए हमने इसको बोला एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ रेप्टाइल्स का। किसका एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा, मैं रेप्टाइल्स का, ठीक है। रेप्टाइल्स में अगर मैं बात करूं क्रोकोडाइल्स की या फिर लीजार्ड्स की, तो इनमें जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, मेनली टेम्परेचर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे होता है बेटा, टेम्परेचर के बेसिस पे सेक्स डिटरमाइन होता है, सेक्स डिटरमिनेशन होता है कि वो मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा या फिर फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, या किसके बेसिस पे डिपेंड करेगा, मेनली टेम्परेचर के बेसिस पे, ठीक है। और टेम्परेचर के बेसिस पे करेगा तो वो कैसे करेगा, कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए कि ये मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, कितना टेम्परेचर होना चाहिए कि ये फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, अगर हम उसकी बात करें, ठीक है। तो देखो बेटा, मेनली यदि टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर लो, यदि लो टेम्परेचर की अगर हम बात करें, यदि हम लो टेम्परेचर की बात करें कि कम टेम्परेचर है उस पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, यदि आपने एग्स को इंक्यूबेट कर दिया लो टेम्परेचर पे, या जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो लो टेम्परेचर पे हो रहा है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे बेटा, फीमेल ऑफस्प्रिंग्स होंगे। कैसे ऑफस्प्रिंग्स होंगे, मेनली फीमेल ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ठीक है। यदि टेम्परेचर क्या हुआ, ज्यादा हुआ, इफ टेम्परेचर हाई, यदि हाई टेम्परेचर हुआ, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो कौन से होंगे, मेल ऑफस्प्रिंग्स होंगे। कौन से ऑफस्प्रिंग्स होंगे बेटा, मेल ऑफस्प्रिंग्स होंगे। तो यदि टेम्परेचर कम हुआ तो फीमेल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, यदि टेम्परेचर ज्यादा हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ, तो मेल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे। ये इन्वायरमेंट के बेसिस पे सेक्स डिटरमाइन हो गया कि कब मेल प्रोड्यूस हो रहा है, कब फीमेल प्रोड्यूस हो रहा है। इतनी बात आ गई प्यारे बच्चों आपको समझ में। तो ये तो मैंने बात की थी क्रोकोडाइल की एंड द लिजार्ड्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्टल्स की। अब हम किसकी बात करते हैं, मेनली टर्टल्स की, ठीक है। तो टर्टल्स में जस्ट अपोजिट है क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड से। यहाँ पे टेम्परेचर कम था तो फीमेल ऑफस्प्रिंग हो रहा था, यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो कौन से होंगे, मेल ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ठीक है। और यदि टेम्परेचर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो फीमेल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे,
तो ये conditions देखो यहाँ पे reverse हो गई, ठीक है। In the case of क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स में तो क्या था कि यदि टेम्परेचर कम है तो फीमेल ऑफस्प्रिंग, यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो मेल ऑफस्प्रिंग। लेकिन टर्टल्स में जस्ट अपोजिट है, जस्ट रिवर्स हो गई ये कंडीशन। यदि लो टेम्परेचर है तो मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, यदि हाई टेम्परेचर है तो फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। तो इतनी बात आई आप लोगों को समझ में बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर या ऑन दी बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर के बेसिस पे आपको पता लग गया कि कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हनीबीज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? हनीबीज के बारे में कि जो हनीबीज है मेनली उनमें सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हनीबीज के बारे में तो हनीबीज की मेनली 3 कास्ट्स पाई जाती है। आपको पता होगा, आपने ये टर्म पढ़ रखी होगी, जो 3 कास्ट है इनके बारे में भी आपने बात की होगी 9th क्लास में। तो हनीबी की बेसिकली 3 कास्ट्स पाई जाती है, क्वीन, वर्कर एंड दी ड्रोन, ठीक है। क्वीन एंड वर्कर क्या होते हैं? फीमेल। एंड दी ड्रोन क्या होता है? मेल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो हनी बी है उसमें, उसका जो हाइव है उसमें मेनली 3 कास्ट पाई जाती है हनी बी की, क्वीन, वर्कर एंड दी ड्रोन। अब अगर हम बात करें कि जो क्वीन है, वर्कर है, ड्रोन है, ये कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनका जो सेक्स डिटरमाइन है कि क्वीन बनेगा या वर्कर बनेगी या ड्रोन बनेगी, ये किसके बेसिस पे होता है अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो जो क्वीन है उसका मेन काम क्या होता है? एग ले करना। क्या होता है इनका मेन फंक्शन ही क्या होता है क्वींस का? एग ले करना और फर्टिलाइजेशन करना, फर्टिलाइजेशन के बाद एग लेइंग करना। वर्कर्स का काम क्या होता है? हाइव को मैनेज करके रखना, ठीक है, उसमें जो भी इंडोर ड्यूटीज है, आउटडोर ड्यूटीज है, वो परफॉर्म करना। वर्कर है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, तो ये हाइव में होने वाला जितना भी वर्क है वो किसके द्वारा होगा? वर्कर्स के द्वारा होगा। ड्रोन का क्या काम होता है? मेनली फर्टिलाइज करना क्वीन के साथ, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें क्वीन की, जो कि एग ले करती है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्वीन की तो क्वीन मेनली 2 टाइप्स के एग ले करती है बेसिकली। जो क्वीन कास्ट है हनीबीज की वो क्या करती है? मेनली 2 टाइप्स के एग लेस करती है, लेस 2 टाइप्स ऑफ एग, 2 टाइप के एग्स ले करती है, ठीक है। अब वो 2 टाइप के एग्स कौन कौन से होते हैं बेसिकली? फर्स्ट होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स, सेकंड होते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। 2 टाइप्स के एग्स प्रोड्यूस करती है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स एंड दी फर्टिलाइज्ड एग्स। अब अनफर्टिलाइज्ड एग्स है जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जिनका फ्यूजन नहीं हुआ, तो ये जो कंडीशन होगी ये कौन सी होगी? हैप्लोइड कंडीशन होगी। लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एग्स है जिनमें फ्यूजन भी हुआ है और फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये कौन सी कंडीशन होगी? 2N कंडीशन होगी, ठीक है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स एंड दी फर्टिलाइज्ड एग्स, 2 टाइप के एग्स प्रोड्यूस करेगी क्वीन, ठीक है बेटा। तो 2 टाइप के एग्स ले करेगी क्वीन, अनफर्टिलाइज्ड एग्स एंड दी फर्टिलाइज्ड एग्स। तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? हैप्लोइड। एंड दी फर्टिलाइज्ड एग्स की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? डिप्लोइड। अब अगर हम बात करें कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स किस टाइप के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा, फर्टिलाइज्ड एग्स किस टाइप के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स है जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ लेकिन वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? मेनली पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप इनटू मेल, और मेल में कौन से आएंगे? मेनली ड्रोन्स, ठीक है। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स है वो मेनली किसमें डेवलप होंगे, क्या फॉर्म करेंगे? मेल फॉर्म करेंगे, मेल होनी भी फॉर्म करेंगे, और वो कौन से होते हैं? मेनली ड्रोन्स होते हैं। और ये जो प्रोसेस है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना, ये क्या कहलाएगा? पार्थेनोजेनेसिस। ये क्या कहलाएगा बेटा? पार्थेनोजेनेसिस।
ठीक है। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स है वो क्या हो रहे हैं, पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होंगे इनटू मेल में, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली ड्रोन्स। और ये जो प्रोसेस है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या फॉर्म हो रहे हैं, क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनको ड्रोन्स बोल रहे हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को बेटा, पार्थेनोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स के बारे में कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो 2N कंडीशन है या फिर जो डिप्लोइड कंडीशन है, वो बेसिकली किस टाइप के ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगी। तो देखो इसके 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। यदि फीड कर रही है हनी बी विद रॉयल जेली, ठीक है, या फिर सेकंड जो फीड कर रही है विद बी ब्रेड, ठीक है, जो हनीबीज है यदि वो फीड कर रही है रॉयल जेली के ऊपर, रॉयल जेली है बेसिकली वो मेनली क्वीन का फूड होता है, ठीक है। तो यदि फर्टिलाइज्ड एग में जो हनीबीज है वो मेनली फीड कर रही है विद रॉयल जेली से, तो ये मेनली क्या फॉर्म करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, क्वीन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और क्वीन क्या है, मेनली फीमेल है, तो जो क्वीन है वो फर्टाइल फीमेल होती है। कौन सी फीमेल होती है, फर्टाइल फीमेल। फर्टाइल का मतलब क्या हुआ, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, जो वायबल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टाइल फीमेल, ठीक है। तो क्वीन्स जो होती है वो कौन सी होती है, फर्टाइल फीमेल्स होती है। ऐसे ही यदि हनी भी है वो फीड कर रही है विद बी ब्रेड के साथ, तो जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो कौन से होंगे, वर्कर्स। कौन सी होंगी बेटा, वो जो हनीबीज होंगी वो वर्कर्स। और वर्कर्स कौन सी होती है, मेनली फीमेल ही होते हैं। लेकिन ये कौन सी होती फीमेल्स होती है, स्ट्राइल फीमेल्स होती है। कौन सी फीमेल्स होती है, स्ट्राइल फीमेल्स होती है। स्ट्राइल फीमेल्स कौन सी फीमेल है, बेसिकली जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले नहीं कर सकती, वो कौन सी कहलाएंगी, मेनली स्ट्राइल फीमेल्स कहलाएंगी, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग से क्या पता लगा आपको कि फर्टिलाइज्ड एग्स के अंदर 2 कंडीशंस है, यदि क्वीन फीड करेगी विद रॉयल जेली तो क्वीन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, मतलब फर्टाइल फीमेल प्रोड्यूस होगी। यदि फीड करेगी विद बी ब्रेड तो वर्कर्स प्रोड्यूस होंगी, मतलब स्ट्राइल फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अब सपोज करो कि जो हाइव है उसमें बेसिकली एक और बात आपको जो याद रखनी है, जो क्वीन है वो सिर्फ एक होती है। क्या होती है, पूरे हाइव में सिर्फ एक सिंगल क्वीन मिलती है जो कि क्या करती है, एग ले करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि क्वीन जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्टाइल फीमेल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको वो कब होगा, ठीक है, वो कंडीशन कब होगी, कब हनीबीज है वो रॉयल जेली पे अटैक करेगी। यदि जो ओल्ड जो क्वीन है, ठीक है, यदि मान लो उसने हाइव को लेफ्ट कर दिया, वो छोड़ के चली गई, ठीक है, या सपोज करो वो मर गई, सपोज करो, ठीक है, या फिर उस वो जो अमाउंट ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर रही है वो उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई, और उनकी जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो गई। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे उसके जो एग्स की क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी डिक्रीज होती जाएगी, तो क्या करेंगे, एक नई क्वीन प्रोड्यूस होगी, और जो हनीबीज है वो किस पे फीड करेंगी, रॉयल जेली पे, और एक नई क्वीन को प्रोड्यूस करेंगी, एक नई फीमेल को प्रोड्यूस करेंगी, फर्टाइल फीमेल को प्रोड्यूस करेंगी। तो ये बेटा किसमें पढ़ा हमने, हनीबीज में, कि कैसे हनीबी की जो 3 कास्ट है, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन, वो प्रोड्यूस होती है, किस किस बेसिस पे वो प्रोड्यूस होती है। क्वीन बेसिकली 2 टाइप्स के एग ले करती है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स एंड दी फर्टिलाइज्ड एग्स। अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दी फर्टिलाइज्ड एग से क्वीन एंड वर्कर्स दोनों प्रोड्यूस होती है। इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो बेटा ये हमने बात की है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में कि म्यूटेशन क्या होता है, उसके बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द म्यूटेशन। अगर हम बात करें म्यूटेशन के बारे में कि म्यूटेशन क्या है, अगर हम बात करें कि व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है,
तो देखो जीनोम जो है वो एक स्टैटिक एंटिटी नहीं है। जीनोम क्या हुआ, अपना जेनेटिक मेकअप। तो जो जेनेटिक मेकअप है या फिर जो जीनोम है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इज नॉट अ स्टैटिक एंटिटी। स्टैटिक एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि वो एक ऐसी एंटिटी नहीं है जिसमें कोई भी चेंज ना हो। जीनोम जो है वो कैसे होते हैं नेचर में, डायनामिक। कैसे होते हैं बेटा, डायनामिक एंटिटी होती है, नॉट अ स्टैटिक एंटिटी। जीनोम इज अ डायनामिक एंटिटी, मतलब जिसमें चेंजेस होते रहते हैं ड्यूरिंग टाइम टू टाइम, जिसमें इवोल्यूशन होता रहता है। ठीक है, जेनेटिक मेकअप है, ऐसा तो है नहीं कि जो अपने एंसेस्टर्स में था वही अपने तक चलता हुआ आ रहा है। उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, म्यूटेशंस होते रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक वेरिएशन कोज करते हैं और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो जीनोम है वो एक स्टैटिक एंटिटी नहीं है, वो एक डायनामिक एंटिटी है, डायनामिक है नेचर में। ठीक है, मतलब उसमें चेंजेस होते रहते हैं बाय द टाइम, ड्यूरिंग टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस परफॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि म्यूटेशन क्या है, कि म्यूटेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो सडनली चेंज आना अपने जेनेटिक मेकअप में, सडनली चेंज आना जेनेटिक मेटीरियल में, सडनली चेंज आना और उन चेंजेस का जो रिजल्ट है वो सडनली आपको दिखाई देना, मतलब इमीडिएटली आपको उसके रिजल्ट्स दिख जाना, वो क्या कहलाता है, मेनली बेसिकली म्यूटेशन कहलाता है। तो हम बेटा क्या लिखेंगे, म्यूटेशन इट इज ए सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप या फिर आप लिख सकते हो जेनेटिक मेटीरियल। तो हम लिखेंगे सडन चेंज इन द जेनेटिक मेटीरियल या फिर जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट गिव्स राइज टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ एनी जीन आर कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है बेटा, तो म्यूटेशन क्या कहलाएगा, सडनली चेंज आ जाना जेनेटिक मेकअप में या जेनेटिक मेटीरियल में, और उस जेनेटिक चेंज की वजह से, उस सडन चेंज की वजह से क्या हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रोड्यूस हो जाए जीन की, जिसको आपने क्या बोला था, एलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आपने क्या बोला था, एलील। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स प्रोड्यूस हो जाए एलील की, एलील्स प्रोड्यूस हो जाए डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो है मेनली बेसिकली वो क्या लेके आता है पॉपुलेशन में, वेरिएशंस लेके आता है। क्या लेके आता है बेटा, वेरिएशंस लेके आता है। और जैसे जैसे वेरिएशंस आती जाएंगी क्या होता जाएगा, इवोल्यूशन होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बेसिकली इवोल्यूशन होता जाएगा। तो म्यूटेशन होना जरूरी है अपने एनवायरमेंट में, क्यों, उससे ही वेरिएशंस भी आते हैं और उससे इवोल्यूशन भी होता रहता है, इसलिए म्यूटेशंस होना बहुत ही जरूरी है एनवायरमेंट में। ठीक है, ये हमने बात की है म्यूटेशन के डेफिनेशन के बारे में, कि जो म्यूटेशन है वो क्या है, एक सडन चेंज है इन जेनेटिक मेकअप में, जेनेटिक मेकअप में सडनली चेंज आ जाना, उसके बेस पेयर में, नाइट्रोजिनस बेस में सडनली चेंज आ जाना, तो उसकी वजह से क्या होगी, अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रोड्यूस होगी जीन की, वो क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई समझ में। अब अगर हम बात करें कि म्यूटेशन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, अगर इसके डिस्कवरी की बात करें, तो बेटा म्यूटेशन को जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वो किसने किया था, उन साइंटिस्ट का नाम था हुगो डी वेराइस। क्या नाम था, हुगो डी वेराइस। हुगो डी वेराइस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था म्यूटेशन के बारे में इन इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज एक प्लांट है जिसमें सबसे पहले हुगो डी वेराइस ने म्यूटेशन जो है वो देखा था, कि म्यूटेशन होता क्या है। ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज का अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम की, तो इसका नाम क्या होता है बेटा, ओइनोथेरा लैमार्कियाना।
ऑइनोथेरा लैमार्क क्या ना इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो म्यूटेशन को सबसे पहले किसमें देखा गया था, बेसिकली इवनिंग प्राइम रोज में, और किसके द्वारा देखा गया था, हुगो डी वेराइज ने इसको सबसे पहले देखा था। और इवनिंग प्राइम रोज का जो साइंटिफिक नेम है, जो बोटेनिकल नेम है, वो क्या है, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ये हमने बात की है बेटा म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन का प्रोसेस जो मेनली हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोसेस बाय विच म्यूटेशन इज प्रोड्यूस्ड, म्यूटेशंस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा म्यूटेशंस प्रोड्यूस्ड होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली म्यूटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा उस प्रोसेस को, म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, तो प्रोसेस बाय विच म्यूटेशंस इज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, और वो एजेंट्स जो म्यूटेशन कोज करते हैं, कौन से एजेंट्स, वो एजेंट्स, वो केमिकल भी हो सकते हैं या फिर फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, वो एजेंट्स जो मेनली म्यूटेशन कोज करते हैं, उन एजेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, म्यूटाजेंस। क्या बोलते हैं उन एजेंट्स को हम, म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजेंस क्या होते हैं, मेनली वो एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूटेशन कोज करते हैं। ठीक है, ये मेनली वो एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन कोज करते हैं। और जो म्यूटाजेंस है बेसिकली, वो कैसे भी टाइप के हो सकते हैं, वो केमिकल भी हो सकते हैं, वो फिजिकल टाइप भी हो सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तब, कि म्यूटाजेंस किस किस टाइप के हो सकते हैं, तब हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो म्यूटाजेंस है बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन कोज करते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो। ठीक है बेटा, अब अगर हम जनरल कैरेक्टर्स देखें म्यूटेशन के बारे में, क्या देखें हम, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, क्या देखें अब हम, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें म्यूटेशन की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। ऑफ म्यूटेशन के बारे में तो हम बात करते हैं, देखो जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, तो जो म्यूटेशंस है वो जनरली कैसी होती है, रिसेसिव। जनरली कैसी होती है, रिसेसिव। देखो मैंने बोला है जनरली रिसेसिव, मैंने ये नहीं बोला ऑलवेज रिसेसिव। तो जनरली रिसेसिव का मतलब क्या हुआ, मोस्टली रिसेसिव होती है, लेकिन कभी कभी डोमिनेंट भी पाई जा सकती है। ठीक है, तो पर हम लिख सकते हैं जनरली रिसेसिव बट डोमिनेंट म्यूटेशन ऑल्सो अकर्स। ठीक है, जनरली तो रिसेसिव होती है लेकिन डोमिनेंट म्यूटेशन भी पाई जाती है एनवायरमेंट में। उसके बाद अगर हम बात करें, जो म्यूटेशंस है वो जनरली हार्मफुल होती है ऑर्गेनिज्म के लिए, क्या होती है, जनरली हार्मफुल होती है फॉर द ऑर्गेनिज्म। जो म्यूटेशन है वो जनरली कैसी होती है, हार्मफुल होती है ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जनरली कैसी होती है, रैंडम। ठीक है, रैंडम का मतलब क्या हुआ, कभी कभी होने वाली, ऐसा नहीं स्पॉन्टेनियसली हो रही है, कभी कभी हो रही है, तो रैंडम होती है मेनली। उसके बाद अगर हम बात करें जो म्यूटेशंस है वो कैसी होती है, मेनली म्यूटेशंस आर रिकरेंट। अब इस रिकरेंट का मतलब क्या है, रिकरेंट का मतलब है कि एक ही जीन में सेम म्यूटेशन का बार बार होना। एक ही जीन में यदि कोई म्यूटेशन हो रही है और वो बार बार हो रही है, सेम म्यूटेशन में अकर अगेन एंड अगेन, तो हम उसको कंडीशन को क्या बोलेंगे, रिकरेंट। ठीक है, तो म्यूटेशंस के बारे में आपको पता लगा, जनरली रिसेसिव होती है लेकिन डोमिनेंट म्यूटेशंस भी पाई जाती है, जनरली हार्मफुल होती है ऑर्गेनिज्म के लिए, रैंडम होती है और रिकरेंट होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें, दे प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन।
मेनली जो म्यूटेशंस है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है फॉर द इवोल्यूशन के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है, कि म्यूटेशन से वेरिएशंस आएंगे और वेरिएशंस क्या करेंगे, इवोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो मेनली बेसिकली जो म्यूटेशंस है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है इवोल्यूशन के लिए, क्या प्रोवाइड कर रही है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है इवोल्यूशन के लिए, इसलिए हमने बोल दिया कि जो म्यूटेशंस है वो क्या कर रही है, प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में बेटा, ठीक है, हो गया इतना। अब हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, अब हम बात करेंगे म्यूटाजेंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यूटाजेंस बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, तो हम किसके बारे में बात करेंगे अब, म्यूटाजेंस के बारे में, ठीक है। तो जो म्यूटाजेंस है बेसिकली वो टू क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं उनको, फर्स्ट इज द केमिकल म्यूटाजेंस, ठीक है, सेकेंड इज द फिजिकल म्यूटाजेंस, या फिर आप बोल सकते हो रेडिएशंस, ठीक है। फर्स्ट इज द केमिकल म्यूटाजेंस, सेकेंड इज द फिजिकल म्यूटाजेंस या फिर रेडिएशंस। तो म्यूटाजेंस का पता लग गया, मेनली बेसिकली टू कैटेगरीज कौन कौन सी हुई, केमिकल एंड द फिजिकल म्यूटाजेंस। अब अगर हम बात करें सबसे पहले केमिकल म्यूटाजेंस के बारे में, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस एनालॉग्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा हम, बेस एनालॉग्स के बारे में। बेस एनालॉग्स क्या होते हैं, मेनली वो बेसिस जो दूसरे बेसिस के साथ क्या हो, एनालॉगस हो, क्या हो, एनालॉगस हो, ठीक है। बेस एनालॉग्स क्या होते हैं, बेसिकली एनालॉगस टू नाइट्रोजिनस बेसिस, क्या होते हैं बेसिकली, एनालॉगस टू नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ कैसे हो, एनालॉगस हो, उनको हम क्या कहेंगे, बेस एनालॉग्स। देखो जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं 5-ब्रोमो-यूरेसिल, 5-ब्रोमो-यूरेसिल को आप 5-BU भी लिखते हो, ठीक है। तो 5-ब्रोमो-यूरेसिल है वो मेनली एनालॉगस है टू अदर नाइट्रोजिनस बेस, और वो नाइट्रोजिनस बेस कौन सा होगा, थायमिन, कौन सा होगा बेटा, थायमिन। जैसे इतना तो आपको पता ही होगा कि प्यूरिन्स होते हैं, पिरामिडिन्स होते हैं, ये आपने इतना पढ़ रखा है 9th-10th क्लास में कि प्यूरिन्स कौन से होते हैं, पिरामिडिन्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि जो फर्स्ट जो एग्जांपल है बेस एनालॉग का, वो मैंने लिया 5-ब्रोमो-यूरेसिल, जो कि क्या है, एनालॉगस टू थायमिन, ये क्या है, एनालॉगस टू थायमिन, एनालॉगस है थायमिन के। ऐसे बेस एनालॉग का सेकंड अगर मैं एग्जांपल लूं, तो सेकंड एग्जांपल है 2-अमीनो-प्यूरिन, क्या एग्जांपल है, 2-अमीनो-प्यूरिन, ठीक है। तो जो 2-अमीनो-प्यूरिन है वो एनालॉगस है टू एडेनिन, किसके एनालॉगस है, एडेनिन के एनालॉगस है, ठीक है। तो बेस एनालॉग्स में आपको समझ में आ गया, एनालॉगस है टू नाइट्रोजिनस बेसिस, और वो नाइट्रोजिनस बेसिस बेसिकली कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट तो क्या हुआ 5-ब्रोमो-यूरेसिल एनालॉगस टू थायमिन, सेकंड हुआ 2-अमीनो-प्यूरिन एनालॉगस टू एडेनिन। इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में। तो ये तो हमने फर्स्ट केमिकल एजेंट लिया, फर्स्ट केमिकल म्यूटेजन की बात की, बेस एनालॉग्स के थ्रू कैसे कैसे म्यूटेशन कोज हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड हम लोग बात करेंगे बेटा एल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, एल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में। ठीक है, अब एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, एल्काइलेटिंग एजेंट्स कौन से एजेंट्स होते हैं बेसिकली, ये बेसिकली वो म्यूटाजेंस होते हैं या फिर वो एजेंट्स होते हैं बेटा जो एल्काइल ग्रुप का एडिशन करते हैं, जो एल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं टू न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स कौन से एजेंट्स होते हैं, मेनली ऐड एल्काइल ग्रुप टू न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
जो डीएनए मॉलिक्यूल्स में क्या करती है, मेनली एल्काइल ग्रुप को ऐड करती है, उसको हम क्या कहलाएंगे, एल्काइलेटिंग एजेंट्स। अब अगर हम बात करें एल्काइलेटिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल के बारे में, तो इसका एग्जाम्पल है बेटा ईएमएस। क्या बोलते हो आप, ईएमएस, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल मीथेन सल्फोनेट। सेकेंड अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या होगा बेटा, मेनली सेकेंड आप एग्जाम्पल ले सकते हो एमएमएस, एमएमएस, एमएमएस का क्या होगा, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हुआ, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, सेकेंड क्या हुआ, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट। ये कौन से एजेंट्स है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, जिनका काम क्या होता है, एल्काइल ग्रुप को ऐड करना टू न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल। थर्ड हम लोग बात करते हैं बेटा इंटरकैलेटिंग एजेंट्स के बारे में, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स के बारे में। ये मेनली वो म्यूटाजेंस है, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, देखो नाम से ही पता लग रहा होगा, इंटरकैलेट हो जाना, इंटरकैलेट का मतलब क्या है, इम्बेडेड हो जाना किसी स्ट्रक्चर में, अपने आप को धसा लेना, इंटरकैलेट कर लेना, क्या कहलाएगा, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो अपने आप को इंटरकैलेट कर लेते हैं इन दी डीएनए मॉलिक्यूल, और जिनकी वजह से म्यूटेशन कॉज होता है। ठीक है, तो इंटरकैलेटिंग एजेंट जो है बेसिकली, उससे क्या हो सकता है, कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का इंसर्शन भी हो सकता है, मतलब एडिशन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरकैलेटिंग एजेंट। मतलब मान लो कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें से यदि कोई एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर डिलीट हो गया तो भी वो चेंज हो गया, उसकी वजह से अब नया एलील फॉर्म होगा, और अगर आपने कोई नया बाहर से न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ऐड कर दिया तो भी उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब उसकी वजह से एक नया एलील या नया जीन फॉर्म होगा। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट का मतलब पता लग गया, और इंटरकैलेटिंग एजेंट है वो बेसिकली डिलीशन से भी हो सकता है, कि आपने कोई बीच में से बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड बेस को डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीशन से भी हो सकता है या फिर इंसर्शन से भी हो सकता है, इंसर्शन को आप एडिशन भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको इंटरकैलेटिंग एजेंट्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली इंटरकैलेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो अगर इसके हम एग्जाम्पल लें, तो इसका मोस्ट बेसिक जो एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा, इथिडियम ब्रोमाइड। क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, सेकंड जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, एक्रिडिन ऑरेंज, एक्रिडिन ऑरेंज। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो बेसिकली हमने केमिकल म्यूटाजेंस में थ्री म्यूटाजेंस की बात की है, बेस एनालॉग्स, एल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड द इंटरकैलेटिंग एजेंट्स के बारे में हम लोगों ने बेटा अभी यहाँ पे बात की है। इतनी बात आई आप लोगों को समझ में। अब हम बात करते हैं फिजिकल या फिर फिजिकल म्यूटाजेंस के बारे में या फिर रेडिएशंस के बारे में। तो देखो बेटा, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जो रेडिएशंस है या जो फिजिकल म्यूटाजेंस है वो मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड है, वो बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट है आयोनाइजिंग रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। सेकंड है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड सेकंड वन इज द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अब आयोनाइजिंग रेडिएशंस का मतलब क्या हुआ, आयोनाइजिंग रेडिएशंस बेसिकली वो रेडिएशंस होती है जो किसी भी एटम को आयोनाइज करती है, एटम्स को आयोनाइज करके क्या करती है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस का काम करती है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लू, तो एग्जाम्पल इसका हो गया एक्सरे, ठीक है, सेकेंड हो गया अल्फा रेस, थर्ड हो गया बीटा रेस एंड द फोर्थ हो गया गामा रेस। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको आयोनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल, एक्स रेस,
अल्फा रेज, बीटा रेज एंड दी गामा रेज किसके एग्जाम्पल है? आयोनाइजिंग रेडिएशंस के। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का एग्जाम्पल है यूवी रेज। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? यूवी रेज। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा समझ में आया आयोनाइजिंग रेडिएशन के एग्जाम्पल क्या क्या हुए? एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे एंड दी गामा रे। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या हुआ? यूवी रेज। तो ये हमने बात की है म्यूटाजन के क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो म्यूटाजन्स है वो बेसिकली टू टाइप्स का हो सकता है, केमिकल म्यूटाजन्स एंड दी फिजिकल म्यूटाजन्स। केमिकल म्यूटाजन्स के अंडर हमने थ्री कैटेगरीज की बात की, बेस एनालॉग्स, एल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड थर्ड वन इज द इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। और फिजिकल म्यूटाजन्स के अंडर हमने टू कैटेगरीज की बात की, आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड दी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज इससे आगे टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।